गाइस हेलो टू एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट द रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि एक गोल्ड फॉइल ले ली थी, ठीक है, एक सोने की फॉइल ले ली थी, गोल्ड फॉइल ले ली थी। उसकी जो साइज थी वो थी 100 नैनोमीटर, 100 nm इसकी साइज थी। साइज को याद रखना, इसको नोट करते जाना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कौन सी फॉइल थी? तो गोल्ड फॉइल, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल, एक सोने का टुकड़ा ले लिया था, सोने की एक फॉइल ले ली थी। इस पर क्या किया था कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल को गिराया था। कौन से पार्टिकल को गिराया था? अल्फा पार्टिकल को इस सोने की फॉइल पर गिराया था। तो फॉर एग्जांपल ये बॉक्स ले लिया, ठीक है, इस बॉक्स में हमारा है अल्फा पार्टिकल, इस बॉक्स से निकलेगा। तो इस अल्फा पार्टिकल से जो इस बॉक्स से जो अल्फा पार्टिकल निकला उसको सोने की फॉइल पर गिराया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में पाया, कि कुछ रे तो डायरेक्ट पास हो गई थी, कुछ रे तो डायरेक्ट पास होकर इसके अंदर चली गई थी, ठीक है। कुछ रे क्या, बहुत सारी, बहुत ज्यादातर जो रे थी वो अंदर पास होके चले गए, और कुछ रे थी जो इससे क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हो गई थी। समझना इस कॉन्सेप्ट को, ध्यान से समझना। कुछ रे क्या हुई थी, अंदर आई, डिफ्लेक्ट हो गई, ये अंदर आई और डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और मैंने बताया कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कंसेप्ट को ध्यान से समझना, जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ रे, कुछ अल्फा पार्टिकल जब अंदर इसमें गई फॉइल में और टकरा के बाहर निकल गई, ठीक है, ये क्या हो गई कि डिफ्लेक्ट हो गई बाय सम स्मॉल एंगल, ठीक है, ये क्या हो गई थी, डिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनना, एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, सेम चार्ज होंगे वो हमेशा रिपिल करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये क्या करेंगे, रिपिल करेंगे, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो अपोजिट चार्ज की बात करता हूँ, कह रहा है अपोजिट चार्ज की बात करता हूँ, एक ले लिया मैंने पॉजिटिव, एक ले लिया नेगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, दैट इज द अट्रैक्ट, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। तो क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर लिया दैट इज द अल्फा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आकर रिफ्लेक्ट बैक हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब ये पीछे आ गया, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो उसको देख के भागा, इसको क्रॉस करने की इसकी हिम्मत नहीं हुई, ये इसको भाग गया देखकर। तो इसने कहा था यहाँ पर भाई कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये फंडा क्लियर है। और 20,000 रे में एक रे ऐसी थी, समझना, कितनी, 20,000, 20,000 रे में एक रे ऐसी थी वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुई, मतलब ये गई और अंदर गई और वापस आ गई, मतलब 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई थी, दैट इज न्यूक्लियस। इसने माना कि जो रे 180 डिग्री से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब वहां पर कोई ना कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लियर है। रदरफोर्ड का फंडा पता चल गया कि उन्होंने कौन सी गोल्ड फॉइल ली थी, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जिनका पॉजिटिव चार्ज है उन्होंने पर गिराया, तो इन्होंने कहा था बहुत सारी रे तो इससे पास होके चली गई, लेकिन इसने कहा कुछ रे डिफ्लेक्ट हो गई, और डिफ्लेक्ट होने का कारण क्या है कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपिल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, क्लियर है, ओके। और फिर कहा था कि एक रे ऐसी आई थी कि वो अंदर आई और वापस चली गई 180 डिग्री पर चली गई, और 180 डिग्री से जा रही है, मतलब वहां पर क्या है, दैट इज द न्यूक्लियस, वहां पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। तो गोल्ड फॉइल से जो रदरफोर्ड ने पता लगाया था वो सिर्फ न्यूक्लियस का पता लगाया था। इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को दिमाग में रखना, और यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा इसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, मेरी अप्रोच यही है, काफी अच्छे कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ो, और यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, क्लियर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उन साइंटिस्ट का नाम है जे.जे. थॉमसन, क्या नाम है, जे.जे. थॉमसन। और जो प्रोटॉन की खोज की है, कई बार आप गलत तुक्का लगा देते हो, दैट इज द जेम्स चैडविक, प्रोटॉन की खोज की थी उस बंदे का नाम है दैट इज द रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, और वो एक्सपेरिमेंट दूसरा था। गोल्ड फॉइल से तो इन्होंने किसका पता लगाया था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो था जेम्स चैडविक, क्लियर है, न्यूट्रॉन की जिसने खोज की थी उनका नाम है दैट इज द जेम चैडविक, और जेम चैडविक ने यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको कोई भी डाउट नहीं रखना, सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा लिया था कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हुआ था, 100 nm
100 नैनोमीटर की एक अपन ने क्या ली थी, गोल्ड फॉइल ली थी, उस पर अपने लाइट स्ट्राइक करवा दी, तो कुछ लाइट चली गई थी, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई और एक लाइट 180 से आ गई थी। तो उससे इनको न्यूक्लियस का अंदाज हो गया कि यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो प्रोटोन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में जो रिसर्च की थी, कौन कौन ने रिसर्च की थी, सारा मैंने आपको क्लियर कर लिया। तो इससे ज्यादा आपको इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्लियर है। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, और कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दे। थैंक यू।